नमस्कार दोस्तों मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एस एस टी में यूट्यूब चैनल में कैसे हैं दोस्तों एक बार कमेंट करके बताएं तो वॉइस क्लियर है आवाज स्पष्ट है कि नहीं आप सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए कॉपी पेन लेके बैठेंगे और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है दोस्तों और बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आप लोगों की डिमांड पे दोस्तों मैथ्स हम चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेज आप लोगों की चल रही है एकदम बेसिक से चल रही है आप मैथ्स में कितना हूँ वीक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो चल रही है खासतौर पर टारगेट करके चलाया जा रहा है ताकि वो भी सके हाँ, तो में आज दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे और क्लास में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन शामिल करेंगे ठीक है ठीक है क्लास वन है, है परसेंटेज का और इसके बाद परसेंटेज में आगे भी और पार्ट आएंगी ठीक है हाँ तो आज की क्लास बेसिक होने वाली है हाँ, लेबल देखिए जो भी आपकी क्लास चल रही है लेबल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे पहले क्वेश्चन करा रहे हैं उसके बाद से बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ठीक है चलिए तो एक बार आप सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और ये क्लास दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें मैथ्स आता है परसेंटेज आता है तो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देंगे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्जाम देंगे यूपी लेखपाल का एग्जाम देंगे हाँ एन टीपीसी सीजीएल सी एच एस एल एम टी एस या अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे और हम आप लोगों से बताना चाहेंगे इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है आप चैनल पे जाएंगे प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपकी सारे चैप्टर की मैथ की जो क्लासेस चली है हाँ पार्ट वाइज पार्ट आपको एक जगह मिल जाएंगी ठीक है तो प्ले लिस्ट को आप लोग एक बार जरूर चेक करिए वहां से पीछे वाली जो क्लास चली है उसका भी आप लोग रिविजन और प्रैक्टिस जरूर

चलिए बहुत अच्छे हाँ बहुत अच्छे जुड़ गए हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे चलिए आज की क्लास को आगे हम कंटिन्यू करेंगे चले आप लोग देखे चले और नोट जरूर करेंगे आप सभी स्टूडेंट नोट जरूर करेंगे कॉपी जरूर बना लीजिए आप सभी स्टूडेंट कॉपी जरूर बना लीजिए मैथ्स की एक सी कॉपी बनाइए जिसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को नोट करिए इसकी पीडीएफ आप लोग एसएससी में ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन देखेंगे आप सभी स्टूडेंट पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है और आप सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए ठीक है चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आप लोगों को एक बात बता दें ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे ये जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से चल रही है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं इसमें तो वो परेशान नहीं होंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम इजी लेवल के कराएंगे तो उनको लगेगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन ले लिए हैं तो ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि कुछ वीक स्टूडेंट है जिनके लिए यही क्वेश्चन टफ होता है तो उन्हें भी सिखाना पड़ेगा ठीक है तो उनका भी आप लोग साथ दीजिए उसके बाद से क्या होगी क्वेश्चन की लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे जो भी आपके क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा ठीक है तो परेशान नहीं होना है जो अच्छे लेवल के हैं और जो वीक स्टूडेंट है समझने का प्रयास करेंगे चलिए क्वेश्चन है एक गाँव की जनसंख्या अठारह से बढ़कर बाईस हो गई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यानी कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी आंसर दीजिए तो आप लोग देखिए बहुत अच्छे आंसर आ रहा है देखिए एक गांव की जनसंख्या 18,000 हजार से बढ़कर 22500 हो गई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ देखिए पहले जनसंख्या क्या थी ध्यान दीजिए गांव की जो जनसंख्या थी वो 18,000 हजार थी 18,000 हजार से क्या हो गया 22500 हो गया कितना हुआ 22500 हुआ तो वृद्धि पहले आप देखेंगे कि 18000 से 22500 हुआ मतलब कितना इसमें बढ़ा 22500 में 18000 घटा लेंगे तो आपको आएगा घटाएंगे तो आप लोगों का आएगा 4500 यानी कि 4500 की वृद्धि हुआ अगर वृद्धि की बात करें तो आंसर देंगे 4500 लेकिन इसमें बोल रहा है वृद्धि का प्रतिशत बताइए वृद्धि प्रतिशत वृद्धि का जो प्रतिशत होगा ध्यान दीजिएगा जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो क्या होगा जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो क्या होगा ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट कितना बढ़ा है चार हजार पांच सौ बढ़ा है किससे बढ़ा है ध्यान दीजिएगा बटा प्रतिशत में बताना है गुने सौ बस इसी को सॉल्व करिए आंसर आएगा मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं जो वीक स्टूडेंट है समझने का प्रयास करेंगे देखिए दो जीरो से दो जीरो ये वाला कैंसिल हो जाएगा ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट अठारह से कटा दीजिए आप सभी स्टूडेंट अठारह दुना के छत्तीस और छत्तीस और चार चालीस पांच 45 पांच चार नौ नब्बे होगा अठारह 25 नब्बे जो वृद्धि का जो प्रतिशत होगा वो होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट और यही ट्वेंटी फाइव परसेंट क्या होगा आपका आंसर होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बताए समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करिए तो एकदम इजी क्वेश्चन है पेन उठाने की जरूरत नहीं है बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप सब स्टूडेंट अच्छे से समझ सके बताए एक बार कमेंट करें बहुत देखे वेरी गुड जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट आप सब स्टूडेंट एकदम सही है चलिए हाँ देखिए क्वेश्चन की लेवल बहुत ही ये कम है ठीक है अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों की डिमांड थी कि सर बेसिक से पढ़ाइएगा बेसिक से मैथ नहीं आता है नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है देखिए हम आप लोगों को बता दें यहाँ पे तो हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करा रहे हैं एसएससी में कर ऐप पे भी हम आप लोगों को पढ़ाए ठीक है आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से वहां पे कराए हैं वहां पे पूरी कॉन्सेप्ट और थ्योरी की क्लास चली है ठीक है तो आप लोग ऐप से भी जरूर मैथ्स और रीजनिंग जरूर पढ़ लीजिएगा चलिए नेक्स्ट देखिएगा दूसरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट समझ गए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दें इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है समझिएगा क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है साक्षर मतलब एजुकेटेड है हाँ गांव में अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं है लोगों का प्रतिशत क्या है हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साक्षर मतलब शिक्षित है और यह पूछ रहा है अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ध्यान दीजिए यहां पे आप सभी स्टूडेंट देखेंगे टोटल लोगों की जो संख्या है जो टोटल संख्या है वो क्या है देखिएगा 200 है कितना है 200. 200 है इसमें दो प्रकार के लोग हैं। दो प्रकार के लोग हैं साक्षर मतलब शिक्षित साक्षर है और क्या है अशिक्षित ठीक है शिक्षित और कौन है अशिक्षित ध्यान दीजिएगा अशिक्षित शिक्षित और अशिक्षित दो प्रकार के लोग हैं देखिए यहां पे कह रहा है 111 क्या है 111 साक्षर है कितना हाँ एक सौ ग्यारह एक सौ ग्यारह अगर ये शिक्षित है तो कितने अशिक्षित होंगे टोटल दो सौ संख्या है दो सौ में से एक सौ ग्यारह घटाएंगे एटी नाइन नवासी लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित है पूछ क्या रहे हम लोगों से अशिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछ रहा है अशिक्षित लोगों का प्रतिशत पूछ रहे कुछ नहीं करना है कितने लोग अशिक्षित हैं 89 है टोटल संख्या कितनी है लोगों की 200 है टोटल 200 है तो 89 बटे क्या करेंगे नवासी बटे 200 प्रतिशत में पूछ रहे गुने सौ हाँ आंसर दीजिए छोटा सा कैलकुलेशन है आप तुरंत आंसर दे सकते हैं बहुत अच्छे वेरी गुड आंसर आप लोगों का आ रहा है देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल नवासी बटा का दो आप कटाएंगे तो दो चौ को आठ दो को आठ और यहां पे एक बचा दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा दो पचे दस यानी कि क्या या? हा फोर्टी फोर पॉइंट फाइव चौवालीस दशमलव पांच आप लोगों का क्या रहे ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड आंसर आपका क्या होगा हा चौलीस दशमलव पांच परसेंट क्या है बताए आप सभी स्टूडेंट क्या है अशिक्षित है अशिक्षित लोगों का जो प्रतिशत है वो चौवालीस दशमलव पांच ऑप्शन नंबर बी जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है देखिए ये छोटे लेवल के क्वेश्चन है हाँ यही से आप लोगों को सीखना है देखिए हाँ कुछ स्टूडेंट हंस रहे हैं कि सर क्या क्वेश्चन ला दिए है इसलिए क्वेश्चन ला दिए हैं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी समझने में दिक्कत होता है ठीक है तो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी सीखे और ऐप पे इससे भी आसान भाषा में सिखाए हुए हैं तो ऐप पे भी जरूर पढ़िएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चले समझ में आ गया तो एक बार सर कमेंट करिए फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ सारे क्वेश्चन आगे चलेंगे तो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं क्वेश्चन चलिए समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी नोटिफिकेशन मिले ठीक है चलिए हाँ देखिए अभी ये बेसिक लेवल चल रहा है उसके बाद से एडवांस लेवल चलेगा ठीक है हाँ तो एडवांस में एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत बयालीस परसेंट होना चाहिए यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे ठीक है हाँ देखिए क्वेश्चन को देखिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए किसी भी सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन को पढ़िए समझिए क्या क्या रहा है देखेंगे बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत यानी कितने परसेंट चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए बयालीस परसेंट होना चाहिए यदि अधिकतम अंक जो मैक्सिमम मार्क है वो चार सौ पचास है तो चार सौ पचास में कितना पा जाए कि उत्तीर्ण हो ये पूछ रहा है तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है कहने का मतलब है सिंपल भाषा में हम आपको बताएं देखिए उत्तीर्ण होने के लिए बयालीस परसेंट चाहिए और टोटल अंक चार सौ पचास है कुछ नहीं करना है चार सौ पचास का बयालीस परसेंट बयालीस परसेंट क्या होता है हाँ प्रतिशत क्या होता है प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर सदैव सौ होता है कहने का मतलब है ये जो बयालीस परसेंट है जिसके साथ ये प्रतिशत वाला सिंबल लगेगा उसका हर क्या होगा बेस सौ होगा मतलब बयालीस परसेंट का मतलब होगा बयालीस बटा का सौ ये चीज हम आप लोगों को सिखाए हैं ऐप हाँ, वाली क्लास में सब कुछ बताए हैं पूरी कॉन्सेप्ट बताए तो बयालीस परसेंट मतलब बयालीस बटा का सौ ठीक है यह चीज होगा ये चीज हो तो आप लोग जानते होंगे हाँ क्योंकि आप लोग एक बार ऐसे में करैप से पढ़ चुके हैं जब पढ़ चुके हैं तो सब कुछ पता है आंसर दीजिए हाँ, बहुत अच्छे वेरी गुड बहुत से स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है देखिए जीरो से जीरो कटा लीजिए पांच दुना के दस पांच नवा पैंतालीस दो से कटाएंगे आप दो दुना के चार दो एक कम दो फिर इक्कीस नवा आ जाएगा एक सौ नवासी वन एटी नाइन आंसर क्या होगा वन एटी नाइन हाँ हाँ उत्तीर्ण होने के लिए एक सौ नवासी अंक चाहिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही हो जाएगा इक्कीस नवा एक सौ नवासी हाँ गुना भी कर सकते हैं आप ऐसे नौ एकम नौ नौ अठारह गुना भी कर सकते हैं जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है हाँ सभी को समझ में आ रहा है बताएं नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि अब इससे आसान भाषा में आपको कोई सिखा नहीं सकता है यहां पर सिखा रहे हैं तो अच्छे से सीखिए मन लगा के पढ़िए डेली क्लास को ज्वाइन करिए और कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो बताइए ठीक है हाँ समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट फट कमेंट करते रहिए आप सभी स्टूडेंट समझ में आ गया है हाँ जितने स्टूडेंट वन आंसर दे रहे एकदम सही है पूछा क्या है बोल रहा है बयालीस परसेंट पाएगा तो उत्तीर्ण होगा बयालीस परसेंट पाएगा तो क्या होगा उत्तीर्ण होगा टोटल चार सौ पचास है तो कितना चार सौ पचास का बयालीस परसेंट यही तो करना है हाँ। समझ में आ गया बहुत अच्छे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे आप सब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है अच्छे से देखना है देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को 20 परसेंट वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन चौबीस हजार रुपए हो गया चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो टाइम दे रहे हैं हम आप लोगों को पंद्रह सेकेंड का आंसर दीजिए फटाफट ओरल दे सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप सभी स्टूडेंट एस मैथ्स और रीजनिंग जरूर कंप्लीट करिएगा ठीक है हा, हाँ वहां पे क्लास हम चलाए हुए हैं एकदम जीरो लेवल से क्लास चलिए चलिए आंसर दीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या आंसर आ रहे अलग अलग आंसर आने लगा सिंपल सा क्वेश्चन है कोई अठारह हजार कोई बीस हजार कोई चौबीस हजार चौबीस हजार तो दिया है, हुआ है पूछ क्या रहा है ये देखिए इसमें सोलह हजार अठारह हजार इक्कीस हजार बीस हजार क्या क्या आंसर आ रहा है एक आंसर देना है देखिए समझेंगे आप सब स्टूडेंट यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे जब कभी भी प्रतिशत में वृद्धि की बात करेगा कोई भी संख्या अपने आप में हंड्रेड परसेंट होता है वृद्धि की बात करेगा अगर प्लस बीस परसेंट बीस परसेंट की वृद्धि की बात कर रहा है तो एक सौ बीस परसेंट हो जाएगा बीस परसेंट कमी की बात करेगा सौ परसेंट है अपने आप में कोई भी वस्तु तो अपने आप में हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है अगर कमी की बात कर रहा है माइनस तो बीस परसेंट की बात कर है तो सौ से बीस घटाएंगे डायरेक्ट उस बोलेंगे अस्सी परसेंट ठीक है ऐसे समझिएगा वृद्धि की बात करेगा तो सौ में जोड़ेंगे कमी की बात करेगा तो सौ में घटाएंगे ठीक है हाँ अगर बोले कि 10 परसेंट की वृद्धि 10 परसेंट की वृद्धि बोले तो ये 100 में जोड़ के उसका डायरेक्ट हम 110 परसेंट निकाल लेंगे ठीक है हाँ अगर बोले यहां से 10 परसेंट की कमी बोले 10 परसेंट की तो डायरेक्ट बोलेंगे 90 परसेंट हाँ, उसका 90 परसेंट निकाल सकते हैं बोले कि 10 परसेंट में कमी करिए तो डायरेक्ट उसकी 90 परसेंट निकालिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं 10 निकाल के घटाते हैं तो ऐसी गलती नहीं करना है डायरेक्ट आप करिए देखिए ठीक है, है? चीज समझ रहे हैं तो अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है देखिए कह रहे हैं एक व्यक्ति को बीस वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन चौबीस हो गया बीस क्या हुआ है वेतन वृद्धि प्राप्त हुआ जब वृद्धि हुआ बीस की तो कितना हो गया एक क्या हो गया 120 परसेंट और 120 परसेंट हो गया प्रतिशत में 120 हुआ रुपए में क्या हो गया चौबीस हजार हो गया मतलब 120 परसेंट क्या है चौबीस हजार के बराबर है कितने के बराबर है चौबीस हजार के बराबर है पूछ रहा तद अनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था पूर्व वेतन मतलब हंड्रेड परसेंट क्योंकि 20 परसेंट की वृद्धि के बाद चौबीस हजार हुआ है तो पहले क्या रहा होगा हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट मतलब प्रारंभिक वेतन मतलब उसका पूर्व का वेतन क्या होगा हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट बराबर क्या होगा देखिएगा चौबीस हजार बटा का एक सौ बीस बताना क्या है हम लोगों को हंड्रेड परसेंट की वैल्यू तो गुने करेंगे सौ आंसर आ रहा है कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है बहुत अच्छे एकदम सही है कुछ स्टूडेंट हाँ, बाकी दिन का गलत आ रहा है समझने का प्रयास करेंगे नहीं समझ में आ रहा है समझिए बस इसी को कटाइए हंड्रेड परसेंट आ जाएगा कुछ नहीं करना है देखेंगे आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 120 से दो बार में कटेगा 120 सौ बीस दुना के दो या बारह दुना के चौबीस आप ऐसे कटा सकते हैं ठीक है जीरो से जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा दो सौ दो सौ करेंगे तो क्या होगा बताए आप सभी स्टूडेंट दो सौ करेंगे तो होगा बीस क्या होगा बीस और यही क्या होगा आंसर होगा बीस हजार ऑप्शन नंबर क्या होगा ये सही हो जाएगा बताए समझ में आया कि नहीं एक बार जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं आंसर आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलिए समझ में आ गया है बीस हजार हाँ समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कमेंट करके बताएं और आज की क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है हाँ लाइक करने कर कर दीजिएगा क्योंकि लाइक से काफी अच्छा लगता है कि जो हम आप लोगों को सिखा रहे हैं वो आप लोग सीख रहे हैं पसंद आ रहा है चलिए बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट है सर कमेंट कर रहे हैं यानी समझ में आ गया है चलिए और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे जितने भी नए स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है अगर अभी तक आप लोग का आप नहीं हैं, तो ऐप जरूर कर आप का लिंक दोस्तों तो वहां पर टाइप करिए और ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लीजिए ऐप पे दोस्तों आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए डेली क्लासेस चल रही है और सभी क्लासेज एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाई चैप्टर चल रही है और आपको हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही है ठीक है हाँ और ऐप पे दोस्तों कुछ टाइम के लिए फी कम किया गया है फी बढ़ने वाला है इससे पहले आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ जाएं हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है इसकी फी दोस्तों मात्र तीन सौ निन्यानवे है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी दोस्तों जो फी है वो मात्र तीन सौ निन्यानवे है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी फी दोस्तों जो है वो मात्र तीन सौ निन्यानवे है अगर आप यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल और राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम की साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लीजिए कॉम्बो बैच की जो फी है दोस्तों मात्र चार है हाँ और ये कोर्स की फी बहुत ही सस्ती है कोर्स की फी बढ़ने वाली है इससे पहले आप लोग जरूर ज्वाइन करिए और फी सस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्लासेस बेहतरीन नहीं है क्लासेस जो भी चल रही हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए चल रही हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं जो भी आप लोगों को कोर्स में टीचर पढ़ाते हैं वो वेल एजुकेटेड है और उनका मिनिमम आठ से दस साल का एक्सपीरियंस है वो नहीं टीचर को ऐप में हम पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं ठीक है

थ्री डबल नाइन जो फी है वो पूरे कोर्स की है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव की हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन है एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां ने भाग लिया उनमें 50 परसेंट लड़के और 40 परसेंट लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तद अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा उत्तीर्ण मतलब पास अनुत्तीर्ण मतलब फेल अब यहाँ पे पास छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है और फेल छात्रों की क्या पूछ रहा है देखिएगा लड़के और लड़कियों दिया हुआ है अलग अलग पूछ रहा है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों मतलब टोटल कितने परसेंट छात्र यानी बॉयज और गर्ल दोनों मिला के फेल हुए हैं उसका प्रतिशत बताना है तो आंसर आप लोग दे सकते हैं बताए तो एक बार आंसर दीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का देखिए नहीं समझ में आ रहे है तो अच्छे से एक बार देखेंगे देखिए क्या क्या है लड़के हैं और लड़कियां हैं यानी कि बॉयज है और गर्ल है बॉयज है गर्ल है लड़कों की संख्या कितनी है लड़कों की संख्या 1100 है लड़कियों की संख्या कितनी है 900 है ठीक है अब बोल क्या रहा है देखिए यहां से हम लोगों से पूछा है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का तो आप क्या करेंगे फेल छात्रों की पहले संख्या निकालेंगे पचास परसेंट लड़के क्या है और चालीस परसेंट लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण अगर पचास परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो बताइएगा आप सब स्टूडेंट हम यहां निकाल रहे हैं फेल क्या निकाल रहे हैं फेल अगर 50 परसेंट लड़के पास हैं तो फेल कितने हुए होंगे 50 परसेंट तो डायरेक्ट आप निकालिए 50 परसेंट 1100 का 50 परसेंट 50 परसेंट मतलब 1 by 2 आधा आधा का मतलब होगा 550 क्या होगा 550 ध्यान दीजिएगा 550 होगा अब देखिए 900 लड़कियां हैं इसमें चालीस परसेंट क्या है उत्तीर्ण है तो फेल कितनी हुई होंगी बताइएगा आप सब स्टूडेंट सिक्सटी परसेंट अगर चालीस परसेंट लड़कियां नौ सौ का साठ परसेंट साठ परसेंट मतलब साठ बटा का सौ दो जीरो से दो जीरो कैंसिल नौ छ के क्या होगा चौवन और ये जीरो पांच सौ चालीस डायरेक्ट कर सकते हैं छ नवा चौवन कितनी लड़कियां पांच सौ चालीस ये क्या है 550 लड़के क्या हुए फेल हुए और 540 लड़कियां फेल हुई हम लोगों से पूछ क्या रहा है हम लोगों से पूछ रहा है तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब टोटल कितने फेल हुए देखिएगा आप सब स्टूडेंट यहां पे निकालना है टोटल फेल जो टोटल फेल स्टूडेंट है देखिए 550 लड़के और 540 लड़कियां यानी कि 550 प्लस, प्लस, प्लस चालीस ये मिल के होंगे एक हजार नब्बे एक हजार नब्बे टोटल फेल हुए हैं और जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं बताइएगा आप स्टूडेंट स्टूडेंट ये टोटल जो है यहाँ पे देखिए आप सभी स्टूडेंट जो टोटल ध्यान दीजिए टोटल स्टूडेंट हाँ टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 1100 प्लस 900 डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो हो जाएंगे 2000 कितने होंगे 2000 अब इसमें हम लोगों को बताना है अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत फेल परसेंट बताना है क्या बताना है हाँ हम लोगों को बताना क्या है टोटल जो फेल स्टूडेंट हुए हैं उनका प्रतिशत क्या है फेल का प्रतिशत तो फेल हुए हैं एक हजार नब्बे टोटल में कितने में दो हजार में और गुने क्या करेंगे सौ प्रतिशत में बताना है अब आप आंसर दे सकते हैं अब तो दे सकते हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है देखिए एक जीरो दो जीरो तीन जीरो एक दो तीन एक सौ नौ बटा का दो का मतलब दो पच्चे दस दो को आठ और पॉइंट लगाएंगे तो दो पच्चे दस हो जाएगा यानी कि आंसर होगा फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव परसेंट और यही क्या होगा आंसर होगा देखिए पूरा एक्सप्लेन करके लिखे और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे आंसर क्या आया बताइएगा चौवन दशमलव पांच परसेंट ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या आया बताएं बी आ रहा है कुछ स्टूडेंट का बी नहीं होगा समझिएगा आप लोग बी नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे पूछा है क्या है टोटल फेल टोटल फेल एक हजार नब्बे फेल परसेंट क्या हो जाएगा एक हजार नब्बे बटा का दो हजार सौ टोटल स्टूडेंट एक हजार ग्यारह प्लस नौ जोड़े हैं बताइए हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मिस्टेक हुआ है मिस्टेक कहीं नहीं हुआ है देखिए पहले कहीं पे दिक्कत है तो बताएं आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहे हैं चलिए फटाफट आप लोग बताएवन दशमलव पांच परसेंट चलिए सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी कमेंट कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कॉमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कॉमेंट करके आप लोग बताए तो समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो आप लोग एक बार यस सर कॉमेंट करें चलिए बताएं अनुत्ण परीक्षार्थियों का क्या बोल रहा है टोटल स्टूडेंट टोटल फेल यहां पे देखिए अनुत्ण का पूछ रहा है कहीं पे कौन बोल रहा है गलत हुआ है गलत कहां पे हुआ है टोटल फेल ग्यारह सौ चालीस अच्छा पता है हाँ जो ग्यारह चालीस बोल रहे हैं पहले ये बताइए जोड़ने आता है कि नहीं देखिए पांच सौ पचास और पांच सौ चालीस पांच सौ पांच सौ क्या होगा एक हजार और पचास चालीस नब्बे एक हजार नब्बे होगा बताए हम यहां पे क्या निकाले हैं हम यहां पे पचास परसेंट निकाले हैं ये साठ परसेंट क्या निकाले हैं देखिएगा आप सब स्टूडेंट एक बार देखिए देखिए थोड़ा सा देखिए कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज है पता है जोड़ घटना जब नहीं आएगा तो कंफ्यूज होंगे देखिए अभी हम आप लोगों को बताते हैं यहां कह क्या रहा है यहां 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया एक परीक्षा में ठीक है 50 परसेंट ध्यान दीजिए लड़के और 40 परसेंट लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं उत्तीर्ण अगर हुए हैं पास हुए हैं ध्यान दीजिएगा तो आप चाहे तो पास निकाल लीजिए और उसमें से घटाइएगा तो फेल आ जाएगा या आप चाहे तो डायरेक्ट फेल भी निकाल सकते हैं अगर 50 परसेंट लड़के ध्यान दीजिए पास है तो फेल कितने होंगे फेल होंगे 50 परसेंट अगर 40 परसेंट लड़कियां पास हैं तो फेल कितनी होंगी 60 परसेंट तो 1100 का 50 परसेंट पांच सौ का 60 परसेंट पांच समझ में आया समझ में आया बताइए बताए यहां पे। समझ में आया तो हम डायरेक्ट क्या निकाले हैं फेल छात्र निकाले हैं फेल हम पास नहीं निकले फेल 550 540 जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं 2000 हैं 1100 लड़के हैं 900 लड़कियां हैं और फेल टोटल जो फेल स्टूडेंट है वो देखिए बॉयज में कितने हैं 550 गर्ल में कितनी है 540 550 प्लस 540 जोड़े हैं यहां पे तो आया 1090 1090 आया समझिएगा 1090 आया हम लोग उससे पूछ रहा है अनुत्रण परीक्षार्थियों का परीक्षार्थी का मतलब क्या होता है वाइज नहीं परीक्षार्थी में वाइज और दोनों आएंगे पांच सौ चालीस जोड़े एक हजार नब्बे तो फेल परसेंट बराबर क्या होगा जितने फेल हुए एक हजार नब्बे कितने में हुए दो हजार में गुने सौ अब बताए समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करके बताए या कहीं हाँ कहीं पे दिक्कत है तो बताएं सिंपल है बस समझाने के लिए इतना कुछ लिखे हैं इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आप इसको ओरल कर सकते हैं बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए समझ में आ गया तो ये कमेंट करिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे हाँ तो आंसर आएगा फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव चौवन दशमलव पांच परसेंट हाँ जो टोटल स्टूडेंट है ये देखिएगा दो हजार ठीक है बहुत अच्छे एकदम सही कुछ स्टूडेंट यहाँ जोड़ रहे हैं ना 550 और 540 तो 1100 पता नहीं क्या जोड़ रहे हैं ऐसे नहीं जोड़ना है जोड़ के देख लीजिएगा ठीक है चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एक विवाह समारोह में 32 परसेंट महिलाएं हैं चौवन परसेंट पुरुष है और एक सौ छानवे बच्चे हैं उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं पुरुष की संख्या बताना है ध्यान दीजिएगा बत्तीस परसेंट महिलाएं हैं जो फीमेल है उनका प्रतिशत है थर्टी टू चौवन परसेंट पुरुष है जो मेल है उनका प्रतिशत है फिफ्टी फोर अब क्या है अब देखिए एक सौ बच्चे हैं बच्चे कितने हैं बच्चे को बताइए हाँ लिख देते हैं बी से प्रदर्शित कर देने ठीक है या चिल्ड्रेन लिख सकते हैं मान लीजिए बी बॉयज बॉयज कितने हैं बताइएगा एक सौ छानवे है तो प्रतिशत में कितने हैं देखिएगा टोटल ये हंड्रेड परसेंट के बराबर होंगे तो देखिएगा बत्तीस और चौवन जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइएगा आप सब स्टूडेंट छियासी यानी कि मेल और फीमेल मिलके 86 परसेंट है तो टोटल जो है 100 में से 86 घटाएंगे तो क्या आएगा बताइएगा आप है परसेंट तो ये चौदह परसेंट क्या होंगे बॉयज बॉयज कितने होंगे चौदह परसेंट कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं जो बॉयज का प्रतिशत होगा वो क्या होगा 14 परसेंट ठीक है ये तो समझ गए ना हाँ अब देखिए चौदह परसेंट बच्चे और संख्या इनकी दी हुई है एक सौ छियानवे यानी चौदह परसेंट जो है वो एक सौ छियानबे के बराबर है यानी चौदह परसेंट बराबर एक सौ है देखिएगा यहां पे चौदह परसेंट बराबर एक सौ छियानबे हम लोगों को बताना क्या है हम लोगों को बताना है पुरुष पुरुष यानी मेल जो मेल है वो 54 परसेंट है तो 54 यानी कि चौवन परसेंट बराबर क्या होगा तो एक सौ बटा का चौदह एक परसेंट हो गया चौवन का बताना है तो गुने करिए चौवन अब देखिए अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है चौदह से कट जाएगा डायरेक्ट चौदह बार में चौदह का स्क्वायर होता है छानवे चौदह गुने चौदह एक सौ छानवे चौदह बार में और चौदह गुने चौवन करेंगे आप सभी स्टूडेंट चौदह चौक छप्पन का छह हासिल पांच चौदह पच्चीस सत्तर सत्तर पांच पचहत्तर टोटल जो मेल है ये चौवन परसेंट क्या है ये मेल मेल की संख्या यानी पुरुष की संख्या हम निकाले हैं तो ये होगा सात सौ छप्पन और यही क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही होगा आप लोगों का क्या है बताए एक बार आप सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आया कि नहीं हाँ अगर फीमेल की संख्या पूछे तो क्या करते बत्तीस परसेंट निकालते बच्चों की तो दिया हुआ है चौदह परसेंट और एक सौ छानवे दिया हुआ है ठीक है हाँ बताएं समझ में आया कि नहीं और कहीं किसी को किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताए और जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे सेवन फाइव सिक्स सात सौ छप्पन जितने स्टूडेंट का आंसर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है वेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए अभी लास्ट में हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है चलिए आंसर आप लोगों को सही आ रहा है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं हम देख रहे हैं कमेंट आप लोगों के चलिए देखिए कुछ स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन करते हैं उनका नाम दिखता है ठीक है चलिए तो डेली आप लोग क्लास ज्वाइन करिए मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए कहीं समस्या हो तो रही है तो बताते रहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन देखिए समझ में आ गया है नेक्स्ट हाँ, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन की हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीके से देखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है देखिएगा कह रहा है यदि किसी संख्या के पचासी परसेंट को, को पचहत्तर में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या हाँ तो परिणाम वही संख्या है ठीक है तो परिणाम में क्या होता है वही संख्या है तो बोल रहा है वह संख्या है वह संख्या क्या है मान लीजिए वह संख्या एक्स है हाँ किसी संख्या के पचासी परसेंट को मतलब एक्स के पचासी परसेंट मतलब पचासी बटा सौ पचासी परसेंट को पचहत्तर में जोड़ा जाता है तो प्लस पचहत्तर पचहत्तर में एक्स के पचासी परसेंट को जोड़ा गया तो परिणाम वही संख्या है मतलब एक्स ही है तो एक्स की वैल्यू बता सकते हैं बहुत अच्छे वेरी गुड एकदम सही कुछ करने की जरूरत नहीं है पचासी करेंगे तो क्या होगा हंड्रेड ठीक है अब देखिए प्लस का पचहत्तर है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो एक्स माइनस क्या होगा 75। ये गुने में सॉरी ये भाग में सौ है बराबर उधर जाएगा गुने में सौ होगा तो ये होगा पचासी एक्स बराबर सौ से एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा सौ एक्स सौ से पचहत्तर में करेंगे तो क्या होगा पचहत्तर सौ ठीक है अब देखिएगा माइनस का पचहत्तर सौ बराबर किधर आएगा तो प्लस का पचहत्तर सौ हो जाएगा और ये प्लस का पचासी एक्स उधर जाएगा तो माइनस का पचासी होगा तो सौ में से पचासी जाएगा तो पंद्रह एक्स होगा ठीक है अब देखिए पंद्रह एक्स बराबर पचहत्तर तो एक्स बराबर क्या होगा बताया आप सब स्टूडेंट एक्स बराबर क्या होगा पचहत्तर सौ बटा पंद्रह यानी पंद्रह पचे पचहत्तर पांच सौ कुछ करने की जरूरत नहीं है सिंपल है चलिए हाँ चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे अजय पूरन रिया कामिनी शुक्ला कंचन माया भूबी पंत सरोज नेहा रघु सूरज अंकुर हाँ, कुमार महेश वेरी गुड जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे पांच आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है शैलेन्द्र अवनीश संजय निर्भय वैष्णवी चंद्रशेखर विशाल आरती किरण काजल चौहान चलिए बहुत अच्छे हाँ जैन विजय अनुष हितेश्वर दीपक सचिन रूबी चलिए काजल कपू किरण रिंकू चलिए सत्यम कृष्णा सचिन आलोक अजय उपेंद्र सभी स्टूडेंट है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 500 देखिए आप चाहते तो इसको क्या कर सकते थे एक और मेथड है एक और इसके लिए मेथड है आप क्या कर सकते हैं अगर मेथड टू की बात करें ये देखिएगा ये मेथड वन है मेथड टू की बात करें तो आप इसको गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं मतलब ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पहला ऑप्शन लेंगे पांच सौ का पचासी परसेंट देखिएगा पांच सौ का पचासी परसेंट पचासी परसेंट क्या होगा पांच पचे पच्चीस का पांच हासिल दो पांच चालीस दो बयालीस चार सौ पच्चीस चार सौ पच्चीस आया अब इसमें देखेंगे पचहत्तर जोड़ेंगे पचहत्तर जोड़ेंगे देखेंगे क्या इसमें पचहत्तर जोड़ने पे क्या पचहत्तर जोड़ने पे ये पांच सौ के बराबर है हाँ है संख्या तो क्या है वह संख्या पांच सौ ही है समझ में आया देखिए समझ में आया कि नहीं आप गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं ऑप्शन से पांच सौ है पांच सौ का क्या करिए पचासी परसेंट निकालिए पांच सौ का पचासी परसेंट चार सौ पच्चीस है क्या पचहत्तर जोड़ने पे उसमें परिणाम वही आ रहा है मतलब पांच सौ ही आ रहा है आ रहा है जब आ रहा है तो पहला ऑप्शन सही आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे एकदम सही है सब स्टूडेंट समझ गए हैं या सर कमेंट कर रहे हैं चले नेक्स्ट देखेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन है एक संख्या के छाछठ परसेंट और उसी संख्या के चौवालीस परसेंट बीच के बीच का अंतर दो सौ पचहत्तर है उस संख्या का चौसठ परसेंट क्या होगा उस संख्या का 64 परसेंट यानी 64 परसेंट क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है छाछ परसेंट और 44 परसेंट ध्यान दीजिए 66 परसेंट और 44 परसेंट छाछ परसेंट और 44 परसेंट के बीच अंतर अंतर का मतलब क्या होता है आप सबको पता है अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना अंतर तो समझ ही रहे हैं में से चौवालीस घटाएंगे तो आएगा क्या बाईस ये होगा इन दोनों का डिफरेंस जो डिफरेंस होगा क्या होगा ट्वेंटी बाईस परसेंट और यही बीच जो अंतर है प्रतिशत में अंतर तो बाईस है लेकिन संख्या में क्या है दो सौ पचहत्तर है यानी कि बाईस परसेंट किसके बराबर है दो सौ पचहत्तर के तो हम लोगों को बताना क्या है उस संख्या का चौसठ परसेंट क्या बताना है उस संख्या का चौसठ परसेंट तो आप चाहे तो देखिएगा चौसठ परसेंट तो चौसठ परसेंट तो बराबर क्या होगा बताया आप सभी स्टूडेंट दो सौ पचहत्तर ध्यान दीजिएगा सौ पचहत्तर बटा का बाईस एक हो गया चौसठ परसेंट बताना है तो इसका चौसठ से गुना कर दीजिए इसमें हाँ किससे गुना करेंगे चौसठ से गुना कर देंगे बस आंसर आएगा आंसर आप सभी स्टूडेंट का आना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ है नहीं देखिए कटा सकते हैं 11 दुना के 11 दुना, दुना के 22 11 दुना के 22 11 5 55 दो से कटाएंगे 32 और ये 25 ध्यान दीजिएगा 25 दुना के 50 का जीरो हासिल पांच 25 या 75 75 5 80 आंसर क्या आया 800 ऑप्शन नंबर होगा ए समझ में आया कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं चलिए सुब्रतो पिंकू गुप्ता भूमि पंत हाँ कामिनी, शुक्ला काजल चौहान दीपक वैष्णवी रूबी संदीप अर्चना धीरज सुशील नवनीत अजय हाँ शोभित चलिए सत्यम अभिषेक अर्चना आशा पंकज अमन वैष्णवी नवनीत विनय अंकुर अंबी संजीव सुप्रिया राहुल पप्पू संजय पूजा कुमार महेश विटू कुमार चलिए सभी सभी स्टूडेंट चाहिए राहुल उदय हाँ उदय सिंह मीना अनु सुनील मिथुन आलिया सूरज जितेंद्र सरोज नीरज सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं सिक्सटी फोर परसेंट की वैल्यू आठ सौ चलिए हाँ एम के शर्मा चलिए बहुत अच्छे अनु सिंह चंदन अनिल विजय शिवम हाँ चलिए गगनदीप विक्की अजय सुधीर शिव बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे चलिए अतुल कुमार गोड़ वर्षांजल, किरण मनी संतोष सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर 800 दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट सही है चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बताए एक बार कमेंट करके समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझ में आ गया है बहुत दक्ष है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें दोस्तों तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है अच्छे से देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे एक कार सोलह हजार रुपए में खरीदी गई इसका मूल्य दस परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है दो साल बाद मूल्य कितना होगा आंसर दीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए इस क्वेश्चन को हम रख देते हैं टेस्ट के तौर पे और आंसर उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट जरूर देंगे ध्यान दीजिएगा क्या होता है दो साल बाद पूछ रहे हैं पहले वर्ष दस परसेंट कम हो गया दस परसेंट कमी को क्या लिखेंगे नाइन्टी परसेंट निकालेंगे फिर नाइन्टी परसेंट निकाल के उसका नाइन्टी या डायरेक्ट नाइन्टी फाइव हंड्रेड उन्हें नाइन्टी फाइव हंड्रेड भी कर सकते हैं ठीक है हाँ सर क्वेश्चन बढ़ा दीजिए अच्छा दस क्वेश्चन से ज्यादा चलिए चलिए दस से ज्यादा है आज चलिए क्वेश्चन बढ़ेगा पहले आंसर दीजिए आप लोग और एक बात और बता दे आप सभी स्टूडेंट को जितने भी नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन वेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए कहीं भी समस्या आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे सचि में सर्च करके फॉलो कर लीजिए जुड़ जाइए ठीक है हाँ और कोई भी आपको डाउट है क्वेरी है तो आप हमसे वहां से पूछ सकते हैं क्या हुआ आंसर नहीं आ रहा है सिंपल क्वेश्चन है फिर भी एबीसीडी रट लगाए पड़े हैं ऐसे नहीं होगा सारे ऑप्शन सही नहीं है एक ही ऑप्शन सही है देखिए आप समझेंगे देखिए क्या बोल रहा है एक कार सोलह हजार रुपए में खरीदी गई इसका मूल्य दस परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है दो साल बाद मूल्य कार कितने में खरीदी गई है कार कितने में खरीदी गई है सोलह हजार रुपए में खरीदी गई है पहले वर्ष क्या होगा दस परसेंट दूसरे वर्ष भी दस परसेंट यानी दस परसेंट प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो रहा है तो पहले वर्ष दस परसेंट कम होगा तो क्या होगा दस परसेंट कमी का मतलब क्या होता है बताएं आप सभी स्टूडेंट 90 परसेंट यानी कि नब्बे बटा का सौ पहले वर्ष का मूल्य ये हो गया मतलब एक साल बाद ठीक है अब देखिए यहां कह रहा है दो साल बाद तो दूसरे साल क्या होगा दस परसेंट और कम होगा यानी कि जो ये नाइनटी परसेंट आया अब इसका अब ये नाइनटी परसेंट हो जाएगा ये होगा समझ रहे हैं ना हाँ इस प्रकार से चल रहे हैं अब देखिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है एक जीरो दो जीरो एक जीरो दो जीरो एक दो एक दो अब देखिए एक सौ साठ गुने नौ गुने नौ इक्यासी गुना कर सकते हैं सोलह एकम सोलह का छिल एक सोलह एक सौ सो अट्ठाइस एक सौ अट्ठाईस एक, एक सौ और ये जीरो जो बचा है ये तो आंसर आपका क्या आएगा बारह हजार नौ साठ रुपए बारह हजार नौ सौ साठ किस ऑप्शन में है आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं बी वेरी गुड चलिए हाँ चलिए बहुत अच्छे अनुप निधि त्रिधा उदय भूबी पंत कुमार महेश कामिनी शुक्ला धीरज हाँ, विट्टो कुमार नेहा ललित नेहा कुमारी मन्नू अमन पूजा पिंकू सतेंद्र हेमंत चंदन ईशक अंसारी अशोक कुमार अमरजीत प्रजापति चलिए सभी स्टूडेंट सही हैं आंसर आ है क्या आ रहे हैं यानी समझ चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है ठीक है हाँ अंकुर वांटेड बॉय हाँ चलिए सही है संजीव सरोज शिवांक शाहीन बानो संजय वसंत नितीश आकाश कुमार महेश आयुष प्रियंका संजय भास्कर वासकर्जा किशोरी रूबी चलिए सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं चलिए सभी स्टूडेंट सही है दीपक संदीप रतन कमिनी शुक्ला संतोष चलिए मोहन रतन सौरभ संजय दीपक प्रियंका हाँ चलिए संदेश शर्मा गोल्डी पूनम दीपेंद्र संदीप मनी चौधरी दिनकर मंजीत संजय सभी स्टूडेंट सही है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे बारह हजार नौ सौ साठ हाँ चलिए राहुल बोल रहे हैं चलिए ठीक है, है सभी स्टूडेंट सही है समझ में आ गया है तो एक बार बताया आप सभी स्टूडेंट समझ में आ गया तो एक बार यह सर कमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कमेंट करिए है चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर दस की बात करें तो ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले दस परसेंट बढ़ाया गया उसके बाद दस परसेंट कम कर दिया गया उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ प्रतिशत में बताना है कि कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ बताए आप सब स्टूडेंट हाँ दस परसेंट बढ़ाया गया और दस परसेंट कम कर दिया गया ठीक है हाँ तो एक आप लोग लिख लीजिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी को कोई परिवर्तन नहीं कोई कोई परिवर्तन नहीं ठीक है हाँ क्या बोला है परिवर्तन कोई कोई परिवर्तन नहीं बताए एबीसीडी में से क्या होगा हा क्या किया गया है दस परसेंट बढ़ाया गया है उसके बाद दस परसेंट कम कर दिया गया हाँ, तो बताए क्या आंसर होगा आप लोग बताए ऑप्शन नंबर डी कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं अच्छा ऑप्शन डी लिख दिए तो आप सब लोग डी ही आंसर देंगे देखिए सिंपल भाषा में अभी हम आप लोगों को बताए बढ़ाया जाएगा तो 110 परसेंट होगा घटाया जाएगा तो फिर उसका 90 परसेंट होगा अच्छा नो no चेंज कोई परिवर्तन नहीं ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम स्टूडेंट दे रहे देखिए कौन सा आंसर होगा आइए बताते हैं देखेंगे आप सब स्टूडेंट मान लेते हैं कर्मचारी का जो वेतन था सौ रुपए था कितना था सौ रुपए देखिए सौ रुपए था पहले क्या दस परसेंट बढ़ाया गया बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा एक सौ दस परसेंट तो सौ से सौ कटेगा मतलब एक सौ दस हो जाएगा फिर दूसरे वर्ष ध्यान दीजिए उसके बाद क्या हुआ दूसरे वर्ष नहीं उसके बाद दस परसेंट ध्यान दीजिए दस परसेंट कम किया गया कमी को क्या लिखेंगे दस परसेंट कमी है सौ से घटाएंगे नाइनटी परसेंट बस यही तो करना है देखिए सौ से सौ कैंसिल दो जीरो है दो जीरो से दो जीरो कैंसिल ग्यारह नवा निन्यानबे सौ रुपए था निन्यानवे हो गया देखिए 10% परसेंट जब बढ़ाया गया तो 110 हो गया अब 10% परसेंट जो घटा है वो 110 से घटा है 110 से घटा है तो 11 घट गया तो क्या हो गया निन्यानवे हो गया ये चीज देखना है तो जो कमी हुआ ध्यान दीजिएगा वो तो जो कमी हुआ माइनस वन यानी एक की कमी हुआ कमी प्रतिशत ध्यान दीजिए क्या हुआ कमी प्रतिशत ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं जो प्रतिशत कमी हुआ एक का कमी हुआ किससे कम हुआ है दोस्तों सौ से तो एक कम हुआ सौ से हुआ और गुने सौ परसेंट तो सौ से सौ कटेगा एक परसेंट की क्या आएगा कमी एक परसेंट की कमी यहां पे लिखा है माइनस वन परसेंट मतलब एक परसेंट की कमी ये आंसर हो जाएगा हाँ कुछ स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे कोई परिवर्तन नहीं आप लोग गलत है जितने स्टूडेंट डी दे रहे थे ठीक है हाँ इसीलिए डी कहे थे ताकि देखे कुछ स्टूडेंट सोचते हैं दस बढ़ा दस घटा मतलब कुछ नहीं रुपए नहीं है कि दस रुपए बढ़ गया दस रुपए आप घटा दिए तो कोई परिवर्तन नहीं प्रतिशत में बढ़ रहा है मतलब सौ से एक हुआ हाँ और दस प्रतिशत जब घटेगा तो एक का दस घटेगा समझ रहे हैं हाँ चलिए योगेश सही है आंसर जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं एक परसेंट अब देखिए ये तो मेथड वन रहा मेथड वन हम आप लोगों को एक्स वाई वाला मेथड भी बताए हैं मेथड टू मेथड टू हम आप लोगों को बताए हैं मेथड टू देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में सौ परसेंट कमी या वृद्धि परसेंट कभी भी आपको निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है क्या एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओपन हंड्रेड परसेंट ठीक है कमी या वृद्धि एक बार कमी हो वृद्धि हो या दोनों बार वृद्धि हो या दोनों बार कमी हो ठीक है कभी भी आए तो ये लगाएंगे एक्स की जगह पे क्या रखेंगे ध्यान दीजिए एक्स की जगह पे दस और ध्यान दीजिए वाई की जगह पे भी दस ये लेकिन जो बढ़ रहा है जो बढ़ रहा है उसको प्लस में लिखेंगे जो कम हो रहा है उसको माइनस में लिखेंगे ये चीज समझना है तो पहले बढ़ाया गया है तो प्लस दस ठीक है प्लस दस फिर कमी किया गया है माइनस दस अब इन्हीं दोनों का ये गुणनफल है तो प्लस माइनस का गुणनफल क्या होगा प्लस माइनस का माइनस दस गुने दस और बटा में क्या होगा सौ परसेंट अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल अब देखिए ये प्लस दस माइनस दस और ये माइनस एक, एक गुने क्या होगा माइनस एक यानी कि देखिएगा प्लस दस और माइनस ग्यारह परसेंट तो 11 में से 10 घट जाएगा तो माइनस वन परसेंट क्या होगा माइनस वन परसेंट और ये माइनस किसको प्रदर्शित करता है ये कमी को या हानि को प्रदर्शित करता है ठीक है हाँ तो एक परसेंट की क्या होगी कमी और यहां पे माइनस वन परसेंट लिखा है आंसर होगा ये जो फॉर्मूला है आप लोग याद रखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओपन हंड्रेड परसेंट ये याद रखिएगा ये शॉर्ट ट्रिक है इस पर क्या होगा आप कोई भी प्रश्न सॉल्व करेंगे इस टाइप का तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर देंगे चले, समझ में आ गया है तो बोले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले एक बार कमेंट करके बताएं चलिए समझ में आ गया है बहुत अच्छा है, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं माइनस वन परसेंट वेरी गुड चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए अभी क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखेंगे आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ग्यारह हम आप लोगों को बता दें यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है देखिएगा यदि एक आयत की लंबाई पंद्रह परसेंट बढ़ जाती है और चौड़ाई बीस परसेंट तक घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करे प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करे कितने परसेंट का हाँ परिवर्तन हुआ देखिए आयत कैसे होता है दोस्तों आयत इस प्रकार से होता है आयत इस प्रकार से होता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आप ज्ञात कर सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं लंबाई और चौड़ाई ठीक है हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहे हैं लंबाई में पंद्रह परसेंट की वृद्धि होती है मान लीजिए इसकी जो लंबाई है बीस है जो चौड़ाई है वो दस है ऐसे मान सकते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुण चौड़ाई यानी कि बीस में दो सौ मीटर है तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये चीज समझ रहे अब क्या बोल रहा है आगे कह रहा है आप सब स्टूडेंट देखे ध्यान दीजिए चौड़ाई बीस ध्यान दीजिए क्या होता है लंबाई पंद्रह ध्यान दीजिए लंबाई पंद्रह बढ़ जाता है लंबाई जो है दोस्तों वो पंद्रह बढ़ गया और चौड़ाई क्या हुआ बीस कम हो गया ठीक है इस प्रकार से होता है, ठीक है? अब आप लोग देखेंगे, ये लंबाई अगर 15 परसेंट बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, ध्यान दीजिए, आप लोग समझेंगे, यहां कह रहे हैं लंबाई 15 परसेंट बढ़ जाता है, तो 20 का 15 परसेंट, या एक्स वाई वाला मेथड लगा सकते हैं, देखिए, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, यहां यहाँ का पंद्रह परसेंट बढ़ाएंगे तो आप डायरेक्ट एक सौ पंद्रह परसेंट निकाल लीजिए तो यहाँ पे देखेंगे बीस पच्चीस सौ पांच गुना के दस पांच सियाई पंद्रह यानी ये कितना हो गया तेईस हो गया अब देखिए चौड़ाई बीस परसेंट घट गया दस का क्या करेंगे दस का क्या करेंगे बीस परसेंट घट गया मतलब डायरेक्ट अस्सी परसेंट निकाल लेंगे मतलब अस्सी बटा सौ बीस चौ को अस्सी बीस पच्चे सौ पांच गुना के दस दो चौ को आठ तो ये चौड़ाई क्या हो गया आठ हो गया बताइए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं इतना आ रहा है कि नहीं एक बार बताया आप सभी स्टूडेंट हाँ, तो आप देखेंगे तेईस अठे क्या होगा तेईस अठे एक सौ चौरासी आप गुना कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा आठ त्री के चौबीस के चार हासिल दो आठ गुना के सोलह सोलह दो अठारह एक सौ चौरासी यानी इसका एक सौ चौरासी मीटर स्क्वायर है इसका दो सौ मीटर स्क्वायर है तो जो वृद्धि हुआ कितने का हुआ वृद्धि हुआ कि कमी हुआ ये बताइए दो से एक हुआ मतलब कमी हुआ कमी कितने का हुआ है बताइएगा आप सभी स्टूडेंट कमी हुआ है सोलह का माइनस सोलह कमी हुआ है सोलह का किस से कम हुआ है बताया आपसे दो सौ से तो कमी जो प्रतिशत होगा ध्यान दीजिएगा जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वो कमी प्रतिशत होगा सोलह का कमी हुआ है किस से हुआ है दो सौ से हुआ है और गुने क्या करेंगे सौ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है दो से जो जीरो से दो जीरो कैंसिल दो अठे सोलह जो कमी परसेंट होगा वो होगा आठ परसेंट बेसिक तरीका है लेकिन आपको यह लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है ये मेथड वन है इसे आपको लगाने की जरूरत नहीं ये बस हम समझाने के लिए लिखे ताकि आप लोग समझ सके कि कैसे वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है ठीक है हाँ लेकिन इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है आठ परसेंट की कमी होगा और ऑप्शन नंबर सी सही होगा ठीक है ये नहीं लगाना है आपको ठीक है ऐसे नहीं करना है ये बस समझाए आप लोग देखिए करना आपको क्या है आप लोगों को करना क्या है हम आप लोगों को बता रहे देखिए तरीका लगाएंगे मैथड टू मैथड टू अभी हम आप लोगों को बताए मैथड टू क्या बताए एक्स वाई वाला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन हंड्रेड परसेंट वृद्धि या कमी प्रतिशत की कभी भी बात करें तो आप फॉर्मूला ये लगाएंगे ठीक है एक्स बराबर क्या है पंद्रह और वाई बराबर क्या है बीस ये बढ़ रहा है तो प्लस पंद्रह ध्यान दीजिएगा प्लस पंद्रह बढ़ रहा है ये बीस परसेंट घट रहा है तो माइनस बीस प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस पंद्रह गुणे बीस और बटा का सौ प्रतिशत डायरेक्ट आंसर आएगा कुछ करने की जरूरत नहीं है देखिए बीस पच्चे बीस पच्चे सौ पांच थी पंद्रह ठीक है ये माइनस तीन और माइनस बीस मिलकर क्या होगा माइनस तेईस प्लस पंद्रह है और ये माइनस क्या होगा तेईस परसेंट तेईस में से पंद्रह आप घटाएंगे तो क्या होगा माइनस एट परसेंट और माइनस किसको प्रदर्शित करता है माइनस कमी या हानि को प्रदर्शित करता है तो ये ही आपका आंसर होगा आठ परसेंट की कमी और ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है चलिए बताइए एक बार कमेंट करके समझ में आया कि नहीं बहुत अच्छे वेरी गुड जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 8% आंसर दे रहे समझ में आ गया तो एक बार यस सर कमेंट करिए उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कमेंट करिए तो हाँ एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए समझ में आ गया है हाँ बहुत अच्छे देखिए अगली क्लास में इसमें अभी और भी क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन है कराएंगे ठीक है लेवल धीरे-धीरे बढ़ेगा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बारह क्वेश्चन नंबर बारह टेस्ट के तौर पर रख रहे हैं क्वेश्चन नंबर बारह की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सोलह सौ का छह सही एक बटा चार परसेंट प्लस आठ सौ का बारह सही एक बटा दो परसेंट किसके बराबर है यहां पे बताना है आप लोगों को इसका आंसर दे तो फटाफट आंसर दे हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम रख रहे हैं टेस्ट के तौर पर हाँ और आप सभी स्टूडेंट अगर अभी तक एस एस सी में अगर क्या ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिए ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट बॉक्स में है इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम पे एस सी में अगर सर्च करके ज्वाइन कर, कर, कर लीजिए ठीक है टेलीग्राम को ज्वाइन किए रहेंगे तो डेली क्लास की आपको टाइमिंग की नोटिफिकेशन वहां से मिलेगी चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए हम टेस्ट के तौर पर है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आंसर दीजिए नहीं आ रहा है समझ में भास्कर बहुत अच्छे भास्कर झा चलिए नितेश चालू चलिए आलिया एम के सुमित पूजा प्रशांत नेहा अनुस प्रवीण पूनम संदीप प्रियंका चलिए अब आप लोगों का आंसर आ रहा है अजय कुंताल राजेश राहुल यशवंत चलिए कामिनी अमित दीपक राधे उदय सिंह अनुरुद्ध माया कुमारी लखन राय सीमा प्रीति संजय कुशवाहा मिथुन कुमार चलिए रुचि रोबी, सोनू चलिए कुमार संतोष महेश दीपक अर्चना वर्षांजल चलिए सभी स्टूडेंट लगभग लग लगभग अब आप लोगों का आंसर सही आ रहा है मनीष वर्मा बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं नाम हम नहीं पढ़ पा रहे ठीक है चलिए जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं लगभग लगभग सब स्टूडेंट सही है एक दो स्टूडेंट इधर उधर कर रहे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है और कुछ स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं दूसरे का कमेंट ठीक है तो कॉपी पेस्ट दूसरे का कमेंट नहीं करना है चलिए देखिए क्या बोल रहा है सोलह -शो का छह सही एक बटा चार परसेंट यानी कि गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे जोड़ते हैं ठीक है यानी कि छो को चार के चौबीस पच्चीस बटा चार परसेंट क्या ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा सोलह सौ का, का का मतलब गुना पच्चीस सही चार पर ध्यान दीजिए चार छह छ के चौबीस चौबीस पच्चीस बटा चार परसेंट क्या पच्चीस बटा का चार प्रतिशत यही होगा हाँ फिर उसके बाद से प्लस कहा है 800 का 800 का मतलब गुना 12 दो गुने बारह चौबीस चौबीस पच्चीस बटा दो परसेंट पच्चीस बटा का दो परसेंट और प्रतिशत होता है उसका हर सदैव सौ होता है पच्चीस बटा चार परसेंट का मतलब क्या होगा यहाँ पे देखेंगे 25 4 का मतलब होगा, मतलब 25 का चार और बटा का सौ तो इसे सौ बटा एक मानेंगे तो ये चार सौ इसमें गुना हो जाएगा यानी कि पच्चीस बटा का चार सौ हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये पच्चीस बटा दो परसेंट है इसको देखेंगे पच्चीस बटा दो परसेंट का मतलब क्या होगा 25 बटा का दो और बटा का 100 यानी जिसके साथ प्रतिशत लगता है उसका हर 100 होता है तो ये 100 का डायरेक्ट गुना दो में होगा ठीक है हाँ क्योंकि बटा एक होगा तो आप गुना कर सकते हैं समझ रहे तो ये हो जाएगा 25 बटा का 200 समझ रहे हैं तो अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1600 गुने क्या लिखेंगे 25 बटा का 400 और प्लस 800 गुने 25 बटा 2 की जगह क्या लिखेंगे 25 बटा 200 ठीक है 25 बटा का 200 25 बटा का क्या लिखेंगे 200 इतना आप लोग समझ रहे हैं हाँ अगर इतना समझ रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है देखिएगा 400 से कटेगा ये चार बार में 4 4 1600 ये कटेगा 200 से 2 4 800 चार बार 4 चार 25 यानी 25 4 को और प्लस 25 4 को 100. सौ प्लस सौ क्या होता है आप सभी स्टूडेंट बताएंगे सौ प्लस सौ क्या होता है दो सौ और यही क्या होगा आंसर होगा। यानी इस किसके बराबर है 200 के ऑप्शन उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे हाँ चलिए आंसर बहुत अच्छे बहुत अच्छे आर एन चौहान चलिए प्रशांत कामिनी शुक्ला दीपक सक्सेना राहुल संदीप देवेंद्र ब्रजेश प्रशांत के चलिए सभी स्टूडेंट्स स्टूडेंट है जितने स्टूडेंट शैलेंद्र रोहित पूरब सभी स्टूडेंट्स स्टूडेंट है जितने स्टूडेंट दो सौ आंसर दे रहे हैं बताए एक बार कॉमेंट करके समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए उसके बाद से हम आगे चलेंगे ठीक है हाँ कमेंट करके एक बार बताएं आप सभी स्टूडेंट परसेंटेज में अभी और क्लास आपकी होंगी क्योंकि अभी यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं आगे चलेंगे अभी मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में पास फेल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हाँ चुनाव से रिलेटेड इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ठीक है बहुत सारे टाइप क्वेश्चन है उनको आगे क्लास में कराएंगे चलिए समझ में आ गया है बहुत अच्छे सभी स्टूडेंट सर कमेंट कर रहे हैं समझ में आ गया है देखिए समझ में आ रहा है जब तो मन लगा के पढ़िए बहुत से स्टूडेंट ऐसे है जिनको समझ में नहीं आता है लेकिन फिर भी पढ़ते हैं कोशिश करते करते सीख जाते हैं और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है तो उसको क्या करिए मन लगा कि पढ़िए सीखिए और अच्छे से समझिए सिलेक्शन ले लीजिए ठीक थी, है हाँ और कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं तो डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए चलिए और मन लगा के पढ़िए और आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर जरूर करिए ठीक है और जो नए स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए और सुबह में भी आपकी सात बजे क्लास होती है करंट अफेयर स्ट्रेटिजी के की ग्यारह बजे आप लोगों की क्लास होती है जीएस की पांच बजे भी क्लास होती है डेली एट पी पे आपकी ये क्लास होती है ठीक है डेली क्लास को ज्वाइन करिए मेकर ऐप पे भी आपकी डेली क्लासेस चल रही है डेली हाँ, आपके लिए क्लासेस चल रही हैं आपके आगामी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए ठीक है तो आप लोग मेकर ऐप से भी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कमेंट बॉक्स में है आप सभी स्टूडेंट ऐप को क्या करिए डाउनलोड कर लीजिए यानी इंस्टॉल कर लीजिए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आप लोगों की जो ऐप पे क्लासेस चल रही है उसकी फी बहुत कम रखी गई है ठीक है नामात्र एकदम तो आप सभी स्टूडेंट जुड़िए हम आप लोगों को बताना चाहेंगे आरआरसी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है और इसकी फी दोस्तों मात्र तीन सौ निन्यानवे है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी फी दोस्तों मात्र तीन सौ निन्यानवे है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए भी स्पेशल बैच चल रहा है इसकी भी फी दोस्तों मात्र तीन सौ निन्यानवे है अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल राजस्व लेखपाल दोनों एग्जाम के साथ में तैयारी कर रहे हैं दोनों बैच अलग अलग ना लेके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल के लिए कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हैं मात्र चार सौ निन्यानवे में और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये जो फी कम किया गया है लिमिटेड टाइम के लिए है और लिमिटेड स्टूडेंट के लिए तो आप सभी स्टूडेंट जरूर जुड़िए और कहीं पे भी आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड एसएससी मेकर कस्टमर केयर का ये नंबर है आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं ठीक है, है? चलिए चलिए बहुत अच्छे एकदम सही चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए शेयर जरूर कर दीजिए जितने भी नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए डेली क्लास को ज्वाइन करिए कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आप मैसेज ही करिए इंस्टाग्राम पे ठीक है कहीं पर कोई दिक्कत है तो चलिए अविनाश यादव मेरा नाम नहीं लिए चलिए नाम की मैं कुछ नहीं रखा है डेली क्लास को ज्वाइन करिए अच्छे से पढ़िए सिलेक्शन लीजिए और एस एस सी में करके ऐप जरूर इंस्टॉल करिए हाँ देखिए कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कितने क्वेश्चन सही है चलिए सही तो हुआ है बा, बा, बहुत सारे लेकिन अभी यहाँ पे हम आप लोगों की कंटिन्यू क्लास चला रहे हैं इसके बाद से हम आप लोगों की प्रैक्टिस की भी क्लास चलाएंगे प्रैक्टिस की क्लास चलाएंगे तो थोड़ी सी फास्ट चलेगी और उसमें क्या होंगे इसी बेस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हाँ जैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को हम क्या बताना चाहेंगे एस एस सी में अगर ऐप पर भी मैथ्स और रीजनिंग की क्लास एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाई चैप्टर चलिए तो आप लोग ऐप से भी जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे मन लगा के पढ़िए खूब अच्छे से पढ़िए डेली क्लास को ज्वाइन करिए कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद